नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक बेल होगी, उसे क्लिक करके आप पा सकते हो हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग को मानना है कि मांस खाने से ही हमारे शरीर में ताकत आती है, या फिर यह कहे कि मांस खाने से ही हमारे शरीर सारे का विकास होता है, लेकिन यह बात काफ़ी हद तक झूठ है। क्योंकि आज मैं आपको लिए जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, यह मांस से बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है, लेकिन इसमें फ़ायदे मांस से कई ज़्यादा गुना बेहतर है। एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन करने से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप इस छोटी सी चीज़ का सेवन प्रतिदिन करेंगे तो आपके शरीर का विकास बहुत तेज़ी से होने लगेगा। दलिया में भरपूर मात्रा में फाइबर, कैलोरी और प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इतना ही नहीं, दलिया का सेवन करने से शरीर की शारीरिक कमजोरी भी दूर हो जाती है और शरीर मजबूत भी बनता है। दलिया और साबुन अनाज में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है। मैग्नीशियम लगभग 300 प्रकार के एंजाइम बनता है, खासतौर पर ऐसे एंजाइम जो इंसुलिन के बनने में मदद करता है। साथ ही ये ग्लूकोज की जरूरत मात्रा को भी ब्लड तक पहुँचाता है। रोज़ाना दलिया का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने का आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दलिया का सेवन करने वाले व्यक्ति दिन भर ऊर्जावान महसूस करता है। ऐसा दलिया में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। प्रतिदिन एक कप दलिया खाकर शरीर में विटामिन B1, B2, मिनरल, मैग्नीशियम, मैंगनीज आदि की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीएंट्स को बाहर निकालने कई बीमारियों से बचाते हैं। वजन कम करने वाले के लिए रात के खाने में सिर्फ दलिया का सेवन काफ़ी फायदेमंद है। एक कटोरी पतला दलिया आपकी भूख भी मिटाएगा, पाचन भी दुरुस्त करेगा और फाइबर से भी होने के कारण वजन कम करने भी मदद करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। किसी भी तरह की मदद अथवा सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।